यातायात माह के चलते यूपी पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ट्रैफिक पुलिस द्वारा भगवान टोकरी चौराहे पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। नवंबर माह को यातायात माह के रूप में यूपी पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा मनाया जा रहा है। इस माह में यातायात नियमों का पालन न कर रहे लोगों पर विभिन्न कार्रवाई की जा रही है। लोगों को एकत्र कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। TSI अनुज देओल ने लोगों से ट्रैफिक पुलिस की ओर से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उनका कहना है कि दोपहिया वाहन चला रहे लोग हेलमेट का उपयोग करें, इसके साथ ही चार पहिया वाहन चला रहे लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार नियमों का पालन कराने की अपील की जा रही है, साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, नवंबर जो माह है ये यातायात माह के रूप में यूपी पुलिस ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्रवाई किया जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हर जगह लोगों को एकत्र कर गोष्ठी कर उन्हें यातायात नियमों के बारे में बताया जा रहा है। मैं सभी आमजनों से भी मेरी अपील है, यातायात माह ये चल रहा है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए मेरा सभी से अनुरोध है यातायात नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप दोपहिया वाहन पर चलते हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आजकल नया नियम ये भी आया है, जो पीछे की सवारी गाड़ी पर बैठी है वह भी सीट बेल्ट लगाएगी। मेरा सभी से फिर से अनुरोध है, मैं अनुरोध करना चाहूँगा, सबसे गुजारिश है मेरी, सीट बेल्ट लगा कर चलें, रॉन्ग साइड आप वाहन ना चलाएं, अपनी परमिट शर्तों का पालन करें, मेरा सबसे अनुरोध है। और मैं आगरा ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा, यातायात नियमों का पालन करते हुए हमारा सहयोग करते हुए इस अभियान को सफल बनाएं। DG महाराजा न्यूज़ के लिए राशिद हुसैन की रिपोर्ट।